उत्तराखंड में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, मैं कांग्रेस के लिए ही काम करूंगा, ये कहना है हरक सिंह रावत का। उत्तराखंड चुनावों से ठीक पहले हरक सिंह की बीजेपी से विदाई और कांग्रेस के समर्थन में बयान देना, क्या ये संकेत बीजेपी के लिए किसी मुश्किल की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट में। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से और कैबिनेट से बाहर कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस हरक सिंह रावत की बीजेपी में तूती बोलती थी, अब वो किनारे कर दिए गए हैं। बगावती तेवर के लिए मशहूर हरक सिंह रावत लंबे वक्त से राज्य सरकार से नाराज चल रहे थे। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के सीएम रहते हुए इन्हें मिले मंत्रालय से ऐतराज था, फिर पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने तो कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को लेकर इस्तीफा तक दे आए थे। पिछले महीने वन और पर्यावरण, श्रम, रोजगार और कौशल विकास मंत्री रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान ही पद से इस्तीफा देने की धमकी दी थी। दरअसल रावत कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी नहीं मिलने से नाराज थे, जहां से वो विधायक हैं। इस मीटिंग के बाद रावत के इस्तीफे की खबर जोरों से चलने लगी थी, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान डैमेज कंट्रोल करने में जुटा और रावत को मना लिया गया। कभी राज्य में कांग्रेस की सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हरक सिंह रावत ऐसे तो मान चुके थे, लेकिन फिर भी कई मुद्दे थे जिन पर बीजेपी की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हुई थी। मेडिकल कॉलेज का मामला भी हल नहीं हुआ था। सूत्रों की माने तो रावत अपने परिवार के एक सदस्य के लिए टिकट की मांग और अपनी सीट को भी बदलने की तैयारी कर रहे थे, जिस पर भी बीजेपी आलाकमान से हरी झंडी नहीं मिली थी। इन्हीं मुद्दों पर रावत खुद पार्टी छोड़कर कांग्रेस जाने की सोच रहे थे। इससे पहले कि वो घोषणा करते, बीजेपी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया, साथ ही उनसे मंत्री पद भी छीन लिया गया। हरक सिंह रावत बीजेपी, बसपा, कांग्रेस से फिर बीजेपी में पहुंचे थे। जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था तब रावत बीजेपी में थे और कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री भी बने थे। दो बार विधायक बनने के बाद जब तीसरी बार उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। बसपा से लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस की ओर रुख कर लिया। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद वो कांग्रेस से लगातार विधायक बनते रहे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।